नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां वो कोरबा जिले में बसाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद कोरबा सर्वमंगला देवी का आशीर्वाद लेंगे, तत्पश्चात कोरबा कोर कमेटी की बैठक लेंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का आगमन 7 जनवरी को ऊर्जा नगरी कोरबा में होने जा रहा है। 7 जनवरी को कोरबा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और माँ सर्वमंगला से आशीर्वाद भी वो प्राप्त करेंगे और तत्पश्चात कोरबा लोकसभा के कोर ग्रुप की बैठक भी वो लेने वाले हैं। सीएसईबी के हेलीपैड में उतरकर वहां से सीधे माँ सर्वमंगला के दर्शन के लिए जाएंगे और वहां से फिर स्टेडियम में आकर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे प्रतीक। छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे अब गृह मंत्री अमित शाह, क्या कुछ और अधिक जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर? जी नंदिनी जी, बता दूं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कोरबा जिले के प्रवास पर रहेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जानकारी देते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह कोरबा स्थित सीएसबी हेलीपैड पर उतरेंगे, वहां से स्थानीय स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तत्पश्चात कोरबा स्थित सर्वमंगला देवी का आशीर्वाद लेकर कोरबा पंचवटी में भाजपा के कोर कमेटी की बैठक लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हुए हैं और कार्यक्रम की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। जी नंदिनी, और यहाँ जी प्रतीक सर्वमंगला देवी माता का आशीर्वाद लेंगे, फिर जनसभा को संबोधित करेंगे, तो किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं वहां पर, क्या कुछ सुरक्षा के व्यवस्था इंतजाम किए गए हैं? जी प्रशासन की तरफ से बता दूं, यहां पूरी कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और यहां भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा भी इसकी कार्यक्रम की तैयारी की जाएगी। और एक चीज बता दूं नंदिनी जी, छत्तीसगढ़ में चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहे हैं वैसे बड़े नेता छत्तीसगढ़ में शिरकत कर रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा कि कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा भी छत्तीसगढ़ पहुंची हुई थी और बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की नया प्रभारी कुमारी शैलजा अपने पदभार ग्रहण करने के पश्चात 2 बार छत्तीसगढ़ आ चुकी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भी यह दूसरा दौरा छत्तीसगढ़ पर है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रतीक। अंबिकापुर में शिक्षा व्यवस्था के हालात बेहतर नहीं है। बता दें कि ग्राम भसाझाल में पढ़ने वाले हाई स्कूल सहित मिडिल और प्राइमरी स्कूल के बच्चों को जनरल नॉलेज के बारे में मालूम नहीं है, जिसको देखते हुए ये प्रश्न उठ रहा है कि शिक्षा व्यवस्था के स्तर को प्रदेश सरकार किस तरह बढ़ा रही है। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? चौथी। कहाँ? स्कूल का नाम क्या है? बालिका फ्रॉम बफाजाल। मुख्यमंत्री का नाम जानते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता। और प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री का नाम तो नहीं पता। कलेक्टर का? प्री कुंदन कुमार। सभी प्राचार्यों की मीटिंग लेके सभी को निर्देश दिया गया है कि उनको बच्चों का जनरल नॉलेज, पढ़ाई के साथ साथ जनरल नॉलेज भी बढ़ाएं और हर शनिवार को बैगलेस डे मनाया जाता है, उसमें यही सब चीज़ें हैं, चीज़ों की जानकारी बच्चों को देनी है। तो फिर से सबको निर्देश दिया जाएगा कि बच्चों को जनरल नॉलेज भी पढ़ाया जाए। शिक्षा व्यवस्था तो यहाँ की बहुत दयनीय है सर, कि यहाँ के शिक्षक लोग भी टाइम पर आते भी नहीं हैं और सभी शिक्षक रोज़ आते भी नहीं हैं। हमने सुना कि एक साला में 2 शिक्षक है, उसमें 1 शिक्षक कभी नहीं आता है। जी ऐसा भी है सर। ऐसा है जी। और यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था? साफ सफाई की व्यवस्था तो बिल्कुल ठीक नहीं है, यहाँ के शौचालय भी उतना ठीक नहीं है। स्कूल का व्यवस्था बहुत खराब है सर। क्या खराब है?
सर वहाँ बाथरूम का व्यवस्था नहीं है, मतलब दरवाज़ा टूटा है टॉयलेट का, प्लस इतनी गंदगी है सर, पानी की व्यवस्था नहीं है, बहुत परेशानी बच्चों को होती है सर। और वहाँ ये मौके वारदात पर शिक्षकों का भी मौजूदगी समय से पहले नदारद थे सर। और आश्रम के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने आते हैं सर, लगभग 800 मीटर लगभग होगी सर, तो उनको भी दिक्कत होती है सर। स्कूल तो आते हैं खाना खाने, फिर ये आश्रम ही जाते हैं, तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्था हो जाए शासन की ओर से, एक ही जगह पढ़ें एक ही जगह खाएं तो अच्छा रहता सर। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जय हमारे साथ जुड़ेंगे। जय, अंबिकापुर में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? जी आपको बता दूं मैम कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बासाझाल की मामला है, जहाँ शिक्षा को लेकर बहुत ही यहाँ काफी दिक्कत है। मतलब कि वहाँ कुछ बच्चों से हमने पूछा वहाँ पे जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन, तो वो भी बता नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। और एक तरह से देखा जाए तो वहाँ के प्राइमरी के बच्चे आधा किलोमीटर दूर मध्याह्न भोजन के लिए जाते हैं वहाँ, और वहाँ की काफी दिक्कत है वहाँ पे बच्चों को। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जय। हर साल की तरह इस साल भी सरगुजा जिले के मैनपाट में महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष मैनपाट महोत्सव 11 से 13 फरवरी तक रोखापार जलाशय के पास आयोजित होगा, जिसे लेकर महोत्सव स्थल का निरीक्षण किया गया। उन्होंने महोत्सव की तैयारी हेतु स्थलों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की और सुव्यवस्थित आयोजन हेतु तैयारी अभी से शुरू करने के संबंध में जरूरी निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट ने महोत्सव स्थल की पूरी साफ सफाई, शौचालय निर्माण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने रोखापार जलाशय के समीप गार्डन विकसित करने हेतु उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देश किया। इसके साथ ही महोत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था व सुगम आवागमन के लिए रूट निर्धारित करने के भी निर्देश दिए। तैयारियों को हम लोगों ने थोड़ा सा समय से पूर्व इसलिए शुरू किया है कि समय से पहले तैयारियां पूर्ण हो जाए और अच्छे से तैयारियां हो जाए, और कहीं मतलब जो आयोजन की जो भव्यता है उसके आधार पर, इनकी भव्यता के आधार पे और जिस तरह का आयोजन होता है, कलाकार आते हैं, लोकल कलाकारों का आना जाना होता है, तो एक अच्छा आयोजन हो और गाइडलाइंस का पालन करते हुए सभी डिपार्टमेंट्स इसमें सहयोग करेंगे, सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगती है उनका भी सहयोग होगा। तो तैयारियों को लेकर जो है सभी निर्देश दे दिए गए हैं और उनकी ड्यूटी भी निकाल दी गई है, ड्यूटी ऑर्डर भी निकाल दिया गया है। अब बीच बीच में मॉनिटर करके टीम जाके देखेगी, मैं खुद जाके विजिट करूंगा और तैयारियों का जायजा लूंगा। सकती में मोटर पंप चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही चोरी के साथ मोटर पंप भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि हसौद निवासी ने थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके खेत के कुआं में सिंचाई करने के लिए मोटर पंप लगाया था, जिसके बाद दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद दोनों आरोपियों को सात मोटर पंप चोरी करने की बात स्वीकारी है। तो वही पुलिस ने दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। हेमंत खटर्जी निवासी हसौद थाना करके रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके खेत में लगे मोटर पंप को किसी अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करके ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना हसौद में 379 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। थाना हसौद क्षेत्र अंतर्गत अन्य कई मोटर पंप चोरी होने की भी हमें शिकायत प्राप्त हुआ था। इसी तारतम्य में मुखबिरों को सक्रिय किया गया था। मुखबिर के द्वारा सूचना दिया गया कि ग्राम धमनी के अमृत बंजारे एवं विष्णु खोटे द्वारा कुछ मोटर पंप चोरी करके अपने कब्जे में रखना बताए, जिसे थाना तलब करके हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पर दोनों के द्वारा क्षेत्र में सात मोटर पंप चोरी करना स्वीकार किए। मनेन्द्रगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 43 में बने पुल में कांग्रेसी विधायक के प्रचार प्रसार में बने वॉल पेंटिंग के विरोध में भाजपाइयों ने जमकर हल्ला बोला। वहीं भाजपाई शासकीय दीवाल में बने पेंटिंग को हटाने को लेकर
अड़े रहे साथी कार्यवाही की मांग भी की, जिसके बाद प्रदर्शन होता देख प्रशासन ने दीवार पर वॉल पेंटिंग कर रहे काम को रोक दिया। इस दौरान कांग्रेसियों और भाजपाइयों में जमकर बहस भी हुई। मामला गंभीर होता देख तहसीलदार की मौजूदगी में पुलिस बल मौके पर पहुंची और दोनों को समझाया। वहीं पुलिस ने दीवार में वॉल पेंटिंग कर रहे पेंटर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ये राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये सभी जानते हैं इस बात को कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो दोनों तरफ जो दीवारें बनी हैं, यहाँ पर जो कांग्रेस के लोग हैं और जो खास करके डॉक्टर विनय जायसवाल जो यहाँ के विधायक हैं, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता ये समझ रहे हैं कि ये उनके विधायक जी की संपत्ति हो गई है और यहाँ पर जिस तरह से वॉल पेंटिंग कराई जा रही है और कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि इसमें कोई कानून नहीं है, ये कानून मांग रहे हैं कि ऐसा कोई कानून दिखाइए कि हम लिख नहीं सकते। अगर शासकीय दीवारों पर इस तरह लिखा जा सकता है तो कल ये कांग्रेस के लोग जाकर के पुलिस थाने में लिख देंगे, SDM बंगले में लिख देंगे, मतलब कहीं भी लिखने कोई नियम कायदा नहीं है क्या? वॉल पेंटिंग को लेकर इनका विवाद है कि इस तरह का वॉल पेंटिंग नहीं होना चाहिए, भाजपा ने कहा है, इसके लिए अनेक से जानकारी मंगाई जा रही है, तहसीलदारी मौजूद है, प्रशासन जबरदस्ती का विरोध कर रहे हैं भाई। सत्ता सरकार कांग्रेस की है, अगर कोई स्लोगन लिखा जा रहा है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लिखा जा रहा है, माननीय विधायक जी का नाम लिखा जा रहा है, योजनाओं का अगर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इसमें किसी की तकलीफ नहीं होना चाहिए। भाजपा की सरकार थी तो भाजपा वाले भी ऐसे लिखते पढ़ते थे, तो हम लोग तो कोई तकलीफ नहीं होती थी हमको, हम लोग लिखवा रहे हैं तो क्यों तकलीफ हो रही है, हमारे समझ से परे की बात है। और अगर नियम के विरुद्ध हो रहा है तो NH के जो है SDO से बात कर ले, अगर विरुद्ध में होगा तो नहीं लिखेंगे। गरियाबंद जिला में घूम रहे दो दतैल हाथी महासमुंद जिले में घुस गए, जिसके बाद वन विभाग के अमले ने ग्रामीणों की सहायता से दोनों हाथी को जंगल की ओर खदेड़ दिया। साथ ही वन विभाग ने ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने से अपील की है। बता दें कि मौसम विभाग ने जीवतरा और कोना समेत कई गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। महासमुंद में पुलिस ने मोरंग का अवैध उत्खनन कर सड़क निर्माण कार्य में लगे दो हाईवे ट्रक को जब्त किया है। बता दें कि भवरपुर सड़क का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के देखरेख में किया जा रहा है, जिसमें आए दिन रात अवैध खनन की शिकायत पर SDM लगातार कार्यवाही कर रहा है, जिसके बाद परिवहन कर रही दो हाईवे ट्रक को पुलिस ने जब्त कर थाने में खड़े किया है, जिससे अवैध उत्खनन करने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। महासमुंद में गांव के एक युवक ने गांव के तालाब किनारे पत्थर को लेकर बरगद और पीपल के वृक्ष के बीच में लगा दिया और उसे शिवलिंग बताकर अफवाह फैला दी और गांव में अफवाह फैलाया कि मुझे सपने में भगवान ने दर्शन दिए हैं और यहां प्रकट हुए हैं, जिसके बाद कुछ लोग आस्था का चमत्कार मानकर वहां जाने लगे, लेकिन ग्रामीणों को शक हुआ और ग्रामीणों ने स्वयं भू प्रकट हुए शिवलिंग की जाँच की तो शिवलिंग एक साजिश के तहत लगाया वो सामान्य पत्थर निकला। इसके बाद सरपंचों और ग्रामीणों ने युवक के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई और धर्म और आस्था के नाम पर खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। साथ ही तालाब जाने वाले रास्ते को बाधित करने की भी बात कही तो वहीं ग्रामीणों की कार्रवाई की उचित सजा की मांग की है। वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोरबा जिले में पुलिस की कार्यशैली के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक महीने विभाग में अच्छे कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को पुरस्कार कॉप ऑफ द मंथ घोषित किया गया। आपको बता दें कि इससे पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ता है। इसी क्रम में इसी माह में भी पुलिस कर्मियों को कॉप ऑफ द मंथ दिया गया है। कोरबा में हो रहे क्रिकेट प्रतियोगिता प्रीमियर लीग में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि टीम के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए और नौबत मारपीट तक आ गई। दोनों ही टीम के खिलाड़ी आपस में क्रिकेट के बैट और लात घूसों से एक दूसरे के ऊपर धावा बोल दिए, जिसके बाद बड़ी मुश्किलों से मामला को शांत करवाया गया। कोरबा में ऑटो संघ द्वारा प्रताड़ना की शिकायत लेकर ऑटो वाले ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और अपने साथ हुई अपनी व्यथा भी बताई। पीड़ित ने न्याय की गुहार साथ लगाई कार्रवाई की मांग भी की। अपने ज्ञापन में उन्होंने बताया कि जिला ऑटो संघ द्वारा उनको स्टैंड में लगाने, सवारी लेने तथा अन्य कई कारणों से प्रताड़ित किया जाता है। कई बार रिपोर्ट विभिन्न थानों में भी की थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। इस वजह से इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि बीच सड़क में ही इनसे मारपीट किया जाने लगा है। मैं यहाँ न्याय के लिए आया हूँ। इसके पहले जो है कई बार जो है हमारे ऑटो संघ के सदस्यों के साथ में
कई बार मारपीट आई और गाड़ी के आगे चलो पीछे चलो नहीं चलने देंगे, इस प्रकार के कई घटनाएं हो चुका है। आज कई साल से जो है ये हो रहा है और हम जो है थाने से लेकर के एसपी कार्यालय तक कई बार लेटर दे चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उसका कोई इसका जो है निर्णय नहीं मिला है। एसपी ऑफिस इसीलिए आए हम लोग कि हमारे साथ हमेशा वहाँ गाड़ी खड़ा करते हैं, बाकी में जो कि हटरी के पास, तो हमारे पास साथ में हमेशा लड़ाई झगड़ा मारपीट करते रहते हैं और बोलते हैं कि तुम इस रोड में चलोगे नहीं, तुमको चलने नहीं देंगे, हमेशा गाली गलौज करते रहते हैं और एक दिन मारपीट भी कर दिए 22 तारीख को। गौरेला पेंड्रा में कड़ाके की ठंड, शीतलहर और कोहरे को देखते हुए स्कूल में 7 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है, जिसका आदेश जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया है। बता दें कि 2 दिनों से लगातार जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहीं ठंड के कारण स्कूली बच्चों को काफी परेशानी हो रही, जिसके बाद स्कूली छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। अकलतरा में स्थापित केएसके पावर प्लांट के प्रबंधक को ठेकेदार मजदूर संघ ने मांग में पत्र सौंपा है और समय में उत्पन्न हो रही ठेका मजदूरों की समस्याओं को निराकरण करने को कहा है, नहीं तो संघ की ओर से आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। वहीं नई यूनियन के बनने से श्रमिकों में उत्साह और खुशी का माहौल भी है। दंतेवाड़ा में बस्तर संभाग के किए जा रहे धर्मांतरण के विरोध में सर्व आदिवासी समाज के बस्तर बंद का ऐलान किया गया, जिसे बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन मिला, जिसके चलते दंतेवाड़ा, बीजापुर, जगदलपुर समेत बस्तर के सभी जिले बंद हैं। साथ ही बैलाडीला में भी बंद देखने को मिला। सर्व आदिवासी समाज NMDC के सामने धरने पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए अकलतरा के ग्राम कोटमी सोनार स्थित आयुर्वेदिक औषधालय में लंबे समय से आयुर्वेदिक दवा खत्म हो गई। यहाँ आने वाले मरीजों को बिना दवा उपचार के वापस लौटना पड़ता है, जिससे ग्रामीणों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ग्रामीण इलाकों के आयुर्वेदिक औषधालय में दवाई का अभाव है, जिसके चलते मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि यहाँ एक डॉक्टर भी नहीं है, केवल प्रभारी फार्मासिस्ट के भरोसे अस्पताल चल रहा है। यहाँ के स्टाफ का कहना है कि यहाँ अधिकारियों को दवा खत्म होने की लिखित जानकारी दी गई है, लेकिन जिले से अभी तक दवाओं का आवंटन नहीं हुआ है। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।